आम पापड़ बनाने के लिए 2 मैंगो लेंगे, हाफ के जी करीब है ये। और इसको हमने ऐसे पल्प बना लिया, इसका काट के इसको छिलका उतार के मिक्सी में इसका पल्प बना लिया। अभी मैंगो पल्प को गैस पे हमने जो पैन चढ़ा दिया उसके जो मैंगो पल्प है जो हमारा मिक्सी में पीस लिया उसको उसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर 1/4 कप चीनी डाल देंगे, ये हमने 4 स्पून चीनी भर के लिए है। अब इसको ऐसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे, गैस को मीडियम पे कर लेंगे। हमारा जो मैंगो पल्प है ऐसे हम इसको पकाते पकाते जब जब जैसे जैसे पक रहे हैं ऊपर ऊपर आ रहा है, इसके लिए ये हाथों पे आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हाथों पे ना आए इसलिए थोड़ा सा हम बीच बीच में ढक के पकाएंगे इसको, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इसको हिलाना जरूरी नहीं तो नीचे लग जाता है, थोड़ा थोड़ा ढकेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो हाथों के ऊपर हाथ जलने का डर रहता है इसके ऊपर। हमारा जो पल्प है मैंगो पल्प है ना, 4-5 मिनट हो गए इसको पकाते पकाते, अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे इसको, ऐसे हिलाते रहना नहीं तो वो नीचे लग जाता है। अभी हमारा जो पल्प है ये गाढ़ा हो गया अच्छे से, ऐसे इसको ऐसे धीरे धीरे इसको गिरना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे नहीं तो वो जमाने के लिए मुश्किल प्रॉब्लम हो जाती है इसको थाली में फैलाने के लिए। अभी इसको गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देंगे, 1 नींबू का रस है जो गैस बंद करने के बाद ही डालना है, अच्छे से इसको मिला देंगे। इसके इससे टेस्ट का अच्छा आता है, खट्टा बना जाता है इसके अंदर थोड़ा। आप इसके अंदर कच्ची कैरी भी डाल सकते हो, एक छोटी सी कच्ची कैरी जब हम पीसते हैं उसका पल्प बनाते हैं तो उसके अंदर एक कच्ची कैरी भी डाल सकते हो। इसके अंदर सारा नींबू का हम रस डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसको। अभी फ्लेवर के लिए इसके अंदर जो 4-5 इलायची का पाउडर डाल देंगे, पीसा हुआ छोटी इलायची का पाउडर। इसको गैस के ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे उतार के डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी एक एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से सारे। अभी जो पल्प हमारा इसके अंदर फैला देंगे थाली के अंदर। इसको अच्छे सारा ऐसे फैला देंगे धीरे धीरे करके। अभी हमने थाली में अच्छे से इसको फैला दिया। अभी इसको 2-3 दिन धूप में रखेंगे, इसे धूप नहीं तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं, फैन के नीचे 4-5 दिन लग जाएंगे इसको सकाने के लिए। अब ये 2-3 दिन के बाद ऐसे बन गया ये। अब इसको जीरे से ऐसे हम निकाल लेंगे, ऐसे करके धूप के अंदर ऐसे अच्छा से सूख गया बिल्कुल, ऐसे से धीरे धीरे आराम से निकाल लेंगे इसको। ये ऐसा बन गया इसको, अब इसको हम काट देंगे, जैसे धीरे साइड से निकाल लेंगे इसको अच्छे से। इसके ऐसे पट्टी निकाल लेंगे ऐसे करके लंबी लंबी। अब इसके ऐसे रोल बना लेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। हमारे जो आम पापड़ हैं वो बनके रेडी हो गए हैं।